हेलो गाइस, होप एवरीथिंग इज ऑल राइट और सब बढ़िया है आपके लिए। और आज मैं लेके आया हूँ वीडियो, जो मेरी वीडियो है वो है श्री करतारपुर साहिब की रजिस्ट्रेशन के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि श्री करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वो है पाकिस्तान में, और वहाँ से जो इंडिया के लिए कॉरिडोर है वो खोल दिए गए हैं लास्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ से। और वहाँ पर इंडियंस जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की साइट है, मिनिस्ट्री की साइट है, वहाँ सिंपल प्रोसेस से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपलोड करेंगे अपना पासपोर्ट और 1 फोटोग्राफ, और जिससे कि हमें एक टेम्परेरी फाइल नंबर मिल जाएगा और बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और हमें एक टेम्परेरी वीज़ा मिल जाएगा। हमारे पासपोर्ट पे किसी भी प्रकार का स्टैम्प या वीज़ा नहीं लगेगा और हम वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और विद इन अ डे, विद इन अ सेम डे वी कैन डू दर्शन एंड कम बैक विद इन 4 to 5 आवर्स हम वापस आ सकते हैं। वहाँ हम अंदर ही गुरुद्वारे के घूम सकते हैं और वहाँ से कुछ अगर चीज़ें लेनी है तो वहाँ वो भी ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम इट्स आरजे तो टेकी। गाइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर करतारपुर साहिब, आप वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप गूगल में जाइए और वहाँ लिखिए श्री करतारपुर साहिब रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप लिखोगे तो पहला ही लिंक है पिलग्रिम टू करतारपुर साहिब, आप वहाँ पर कर दीजिए क्लिक और यहाँ पर ऐसा साइट आपको खुल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइट है ये, और इस साइट का नाम आप यहाँ पढ़ लीजिए, प्रकाश पूर्व 550.mha.gov.in/kpr/kpr। तो गुरु नानक देव जी का 550वां बर्थडे पे ये जो लिंक है वो लॉन्च किया गया और ये कॉरिडोर है खोला गया, इसीलिए इसका नाम है प्रकाश पूर्व 550। तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि अबाउट डेरा बाबा नानक, अबाउट अस। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्लिक करना है जो है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इंडियन और फॉरेनर। इंडियन पे क्लिक करिए, इंडियन पर क्लिक करिए और देखिए आप कब जाना है आपको। जैसे मैं 27 चेक कर रहा हूँ तो ये स्लॉट अवेलेबल आ रहा है, ग्रीन है तो ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको ये जो है ये ऑप्शन मिल जाएंगी, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है वो ऑर्डनरी है या डिप्लोमेटिक है या ऑफिशियल है। यहाँ पर ऑर्डनरी पे क्लिक करके यहाँ पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट और प्लेस ऑफ इशू, जहाँ आपको वहाँ से जो आपको पासपोर्ट है वो इशू है वो उसका लोकेशन आपको लिखना है। यहाँ पर गिवन नेम और फादर्स नेम, यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल, और यहाँ पर कैप्चा भर के अगर आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री। ये सब डालने के बाद आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस वही डालना है जो आपके पासपोर्ट पे है, वो सेम एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक टेम्प्रेरी नंबर, जो फाइल नंबर है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो एक टेम्प्रेरी फाइल नंबर है, डेट ऑफ जर्नी क्या है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया येस और नो, आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको, पैन कार्ड डालना है। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आस्टिक साइन नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, अपने प्रेजेंट एड्रेस की जहाँ आप रह रहे हो। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर सेम एज पासपोर्ट, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन डालना है और ब्लड ग्रुप डाल के फिर ईमेल आईडी, और यहाँ पर प्राइमरी मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं हो, यहाँ पर प्रोफेशनल स्टेटस, सेल्फ एम्प्लॉय या सैलरीड, यहाँ पर आपको डालना है कि रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान बिफोर, नो, यस, ये सब कुछ डालने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप वो डिटेल भर देते हो तो डेटा सेव हो जाता है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो है पार्ट सी, हैज़ एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू। यहाँ पर आपको डालना है कि आपके अंदर अंडर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, या फिर आप कभी कोर्ट में गए हो या नहीं, वेदर यू आर प्रेजेंटली बाउंड बाय द सिक्योरिटी प्रोसीजिंग अंडर CRPC और एनी सिमिलर रिस्ट्रिक्शन अंडर एनी लॉ, लोकल लॉ। तो यहाँ पर ये सब आपको क्वेश्चंस का आंसर वैसे तो नो ही देना है,
वेदर यू वर पास्ट मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बैंड अंडर द लॉ, यहाँ पर आपको सब चीज़ों में नो ही देना है। अगर आपका कुछ आंसर येस है तो आप येस भी दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें होने के बाद यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन एक मिल जाता है कि मैं यहाँ पर जो विज़िट करने जा रहा हूँ करतारपुर साहिब, और मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं कोई भी लॉ का वॉयलेशन नहीं करूँगा, किसी भी इंडियन लॉ का वॉयलेशन नहीं करूँगा, और मैं स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो करूँगा, और ये जो स्मूथ प्रोसेस है वो करतारपुर का फॉलो करूँगा। आपको एग्री पे टिक मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप ये पार्ट ए बी सी फिल कर देंगे, यहाँ पर आपको पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी का जो है प्रीव्यू दिखा देगा। ये आपने ये डिटेल्स फिल की हैं, अगर आपको कुछ एडिट या मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सेव और कंटिन्यू करके नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा शायद वो पासपोर्ट या फोटोग्राफ अपलोड का मिलेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको फोटोग्राफ की मिल जाती है, जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर डालनी है 10 KB टू 300 KB। तो फिर आ जाता है यहाँ पर पासपोर्ट, तो पासपोर्ट की जो कॉपी है वो हमें PDF फॉर्म में डालनी है, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है। तो मैं जब कर रहा था मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, तो आपको पासपोर्ट का फ्रंट फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का स्कैन कॉपी करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर जैसे ही आप अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज और बैक पेज अपलोड कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ टाइम देंगे ये लोग, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। फिर जब आपको जर्नी करनी होगी उससे 4 दिन पहले आपको कंफर्मेशन मेल आएगा कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये था दोस्तों करतारपुर की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त राजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स आरजे टेकी। और मैं फिर से श्री करतारपुर साहिब की नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा श्री करतारपुर के लिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को।